सो गाइस, मैंने अपने मोबाइल रिपेयरिंग का जो करियर है उसको कहाँ से शुरू किया, मैंने कहाँ पे जाके जो मोबाइल रिपेयरिंग है वो सीखा, मैंने किस तरीके से सीखा, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारे लोग मुझसे जो है पूछ रहे थे कि आप अपने करियर के बारे में, मोबाइल फ़ोन का जो सीखने का जो तरीका है, कहाँ से सीखा, उसके बारे में वीडियो बनाओ। तो भाई, आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो जो है आ रहा है, तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने अपने जो करियर की शुरुआत किया था वो मेरे ग्रेजुएशन के कंप्लीट होने के बाद किया था। मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट किया था 2015 में, और तभी से मैं एक्चुअली जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग है उसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि इसके जो करियर है या फिर इसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। मैं सिर्फ चाहता था कि कंप्यूटर और कंप्यूटर रिलेटेड जो भी एसेसरीज होते हैं, जैसे कि प्रिंटर, डेस्कटॉप का जो भी SMPS वगैरह, जो भी कंप्यूटर का जो रिपेयरिंग है वो सीखना चाहता था। तो उसके लिए मैंने जो है अपने नियरेस्ट जो भी सर्विस सेंटर होते हैं या फिर नियरेस्ट जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन जो है पता किया कि कंप्यूटर रिपेयरिंग क्या होगा, कैसे वहाँ पे प्लेसमेंट मिलेगा, कैसे वहाँ पे जॉब मिलेगा, किस तरीके से वहाँ पे काम होगा, वो सब मैंने अपने जो नियरेस्ट जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ से जो है पता किया और वहाँ पर जाके मैंने एडमिशन कर लिया। मेरा जो इंस्टीट्यूट था वो मेरे घर से जो है लगभग 70 किलोमीटर के दूर था, और मेरा जो इंस्टीट्यूट था वो था संबलपुर में था, और संबलपुर जो है उड़ीसा में है, और उड़ीसा के बहुत ही बड़ा एक फेमस टाउन है संबलपुर। और संबलपुर में मेरा जो इंस्टीट्यूट था वो है GT, यानी ग्रोइंग टेक करके एक इंस्टीट्यूट था, जो कि अभी के टाइम पे जो है बंद हो चुका है। पहले उस टाइम पे जो है बहुत ही अच्छा उसका मार्केटिंग था और बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो दिया जाता था। तो मैंने 2015 में जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसके बाद में मैंने वहाँ पे जाके जो एडमिशन है उसको कर दिया। जैसे मैंने वहाँ पे एडमिशन कर दिया, मैंने सबसे पहले जो कंप्यूटर का जो रिपेयरिंग है वो सीखा, कंप्यूटर लैपटॉप का जो मदरबोर्ड रिपेयरिंग है, चीप लेवल वहाँ पे जो सर्किट रिपेयरिंग है, IC वगैरह का जो रिपेयर है, वो सब मैंने यहाँ पे जो GT जो ग्रोइंग टेक है वहाँ से मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे सीखा। तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे और एक पार्ट था मोबाइल रिपेयरिंग का, वो जो है अलग तरीके से वहाँ पे ट्रेनिंग करके वहाँ पे सिखाया जाता था। तो मेरे पास में बहुत सारा टाइम था, मेरे पास में कोई भी ऐसे जल्दी नहीं था पैसा कमाने का या फिर बिजनेस लाइन में घुसने का। तो मैंने जो है सोच लिया कि मैं भी क्यों ना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग ही सीख लेता हूँ, कंप्यूटर भी सीख लेता हूँ, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग भी सीख लेता हूँ, लगे हाथ दोनों ही सीख लेता हूँ, और आगे जाके मुझे जो भी काम आएगा, जो भी मुझे पसंद आएगा वो सब मैं करूँगा। यही सोच के मैं जो है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का जो कोर्स है उसे स्टार्ट कर दिया। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का जो कोर्स है वो 8 महीने का था, और 8 महीने में क्या क्या सिखाया जाता था वो सबसे पहले आप जान लो। तो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन को असेंबल डिसेंबल करना, यानी खोलना लगाना, उसके बाद में वहाँ पे जो फॉल्ट फाइंडिंग है और उसको सोल्यूशन वो सिखाया जाता था। वहाँ पे चीप लेवल मोबाइल रिपेयरिंग भी सिखाया जाता था, डिस्प्ले को कैसे चेंज करना है, कैसे फॉल्ट को फाइंड करके उसका सोल्यूशन निकालना है, सारा कुछ जो है वहाँ पे सिखाया जाता था। और सॉफ्टवेयर को कैसे डालना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है, सब कुछ वहाँ पे सिखाया जाता था। तो जैसे ही मैंने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सीखना स्टार्ट किया, उसके कुछ टाइम के बाद में मुझे जो है प्लेसमेंट मिल गया, यानी जॉब का जो ऑफ़र है वो आ गया मोबाइल फ़ोन से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा पैसा भी कमा लिया जाए। तो मेरा जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे मैं ट्रेनिंग भी करता था और मेरा जो जॉब है वो भी करता था, यानी मेरा जो ट्रेनिंग है वो ख़त्म नहीं हुआ था और मेरा जो जॉब है वो लग चुका था जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग है उससे। और मेरा सबसे पहला जो जॉब लगा था वो था सैमसंग के सर्विस सेंटर में। तो संबलपुर के जो सैमसंग का जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे मैं काम करता था और 2 घंटा ट्रेनिंग करता था अपने इंस्टीट्यूट में, और बाकी टाइम जो है सैमसंग के जो सर्विस सेंटर होते हैं वहाँ पर काम कर किया करता था। वहाँ पर मैं थोड़ा बहुत जो है एक्सपीरियंस करता था। पहले जब मैं ट्रेनिंग करने जाता था, यानी जो सैमसंग के सर्विस सेंटर में जाता था, तो वहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ फ़ोन को असेंबल और डिसेंबल करता था, यानी पहले खोलता था और उसको लगाया था और उतना ही काम मैं करता था। और जैसे जैसे मेरा जो ट्रेनिंग है वो ख़त्म हुआ, मेरा जो इंस्टीट्यूट से मुझे जो डिग्री है वो मिल गया, तो मैं परमानेंटली वहाँ पे जो है काम करना स्टार्ट कर दिया, यानी फुल टाइम वहाँ पे मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया सैमसंग के सर्विस सेंटर में। वहाँ पे जितने भी सारे सैमसंग फ़ोन थे उसको मैंने प्रोफेशनली जो है रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि डिस्प्ले को चेंज करना, कनेक्टर को चेंज करना, IC को रिपेयर करना, इसी तरीके का जो काम है वो मुझे देने लग गए वहाँ पे। और मैं थोड़ा बहुत वहाँ पे जो है सबसे पहले जो जूनियर था उससे थोड़ा सा ऊपर उठ के जो है मैं थोड़ा सा सीनियर वहाँ पे हो गया। तो वहाँ पे मैंने जो है लगभग 1 साल तक काम किया, सारा जो एक्सपीरियंस है मैं थोड़ा बहुत वहाँ पे जो है पा लिया। आई थिंक 2017 की बात है जब MI का जो सर्विस सेंटर है वो स्टार्ट हुआ संबलपुर में, तो वहाँ पे मुझे जो है बहुत ही बड़ा एक ऑफर आ गया कि मुझे वहाँ पे सीनियर का जो है पोस्ट मिलेगा और मैं जो है वहाँ पे अच्छे तरीके से काम करूँगा, अच्छा पैसा भी वहाँ पे मिलेगा। तो मैं जो है MI के जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे जो है मैं मेरा जो प्रमोशन है या फिर मैं वहाँ पे जो है चला
चला गया MI के जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर मैं थोड़ा बहुत काम किया। वहाँ पर मैं सीनियर था इसलिए मैं उसका जो ज़्यादा काम वगैरह है वो मैं नहीं करता था, बट वहाँ पर जो मैनेज है उसको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से करता था। जो भी चीप लेवल रिपेयरिंग है उसको ही मैं करता था, बाकी जो छोटे मोटे जो कनेक्टर का चेंज हो गया, डिस्प्ले का चेंज हो गया, वो सब कुछ जो है मेरे जो जूनियर थे वो सब लोग करते थे। बट मैं वहाँ पर जो सीनियर की तरह वहाँ पर जो चीप लेवल रिपेयरिंग था या फिर बड़े फ़ोन का जो रिपेयरिंग काम है वो सब मैं वहाँ पर करता था। तो वहाँ पर मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिला, काम करने का तरीका, काम करने का जो प्रोसेस है वो सब कुछ पता चला, और वहाँ पर जो सर्विस सेंटर का काम करने का तरीका है वो भी पता चल गया वहाँ पर। तब उसके बाद मैं 2018 यानी मैं 2 साल जो है सर्विस सेंटर में काम किया। 2018 के बाद मैं यानी 2018 और 19 के बाद मैं यानी बीच में 19 के स्टार्टिंग में 2018 के एंड में मैंने जो है अपने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम से, कुछ फैमिली से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे जो मेरा जॉब है उसको छोड़ना पड़ा। वहाँ पर जो सर्विस सेंटर है जो संबलपुर है उसको मैंने छोड़ दिया और अपने होम टाउन में आ गया, और कुछ पर्सनल जो प्रॉब्लम की वजह से मुझे अपना जो बिजनेस है उसको स्टार्टअप करना पड़ा। उसके बाद में आपको पता है कि मेरे पास में उतना पैसा नहीं था, ना ही उतना बैकबोन सपोर्ट था, जिसके वजह से मैं बहुत ही कम पैसों लिमिटेड जो है रिक्वायरमेंट के साथ में मैंने एक जो छोटा सा शॉप है उसको स्टार्ट किया, और जो भी मैंने सीखा था उसको जो है वहाँ पे यूज़ किया। और मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा बहुत जो है शॉप को स्टार्ट करने के बाद में वहाँ पर मैं कंप्यूटर का जो रिपेयरिंग है, कंप्यूटर प्रिंटर हो गया या फिर जो CPU हो गया, मॉनिटर हो गया, उसका जो रिपेयरिंग है उसको स्टार्ट करूँगा। बट वहाँ पर मैंने जो है अपना इन्वेस्टमेंट उतना नहीं हो पाया मेरे से कि मैं कंप्यूटर का जो रिपेयरिंग है उसको स्टार्ट कर पाऊँ, तो मैंने बहुत ही मुश्किल से जो है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का जो शॉप है उसको स्टार्ट किया, और उसी में ही अभी तक उलझा हुआ हूँ, और अभी तक भी मैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग को जो है रिपेयर वगैरह कर रहा हूँ। तो यहाँ पे गाइस बोलने का तरीका ये है कि आपके पास में जितना भी आपके पास में है ना उसी से आप खुश रहो, उसी से ही आप जो भी करना चाहते हो उसको स्टार्ट करो, और मैंने भी ऐसा ही किया है। अभी तक मैं कंप्यूटर रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, प्रिंटर रिपेयरिंग सब कुछ मैं जानता हूँ, बट वहाँ पर मुझे जो प्रोफेशनली उसको स्टार्टअप करने का मेरे पास में इन्वेस्टमेंट अभी भी नहीं है, और आगे जाके कभी भी अगर इन्वेस्टमेंट हुआ तो मैं डेफिनेटली स्टार्ट करूंगा कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग, सब कुछ मैं रिपेयर करूंगा, सब कुछ मुझे आता है और सब कुछ मैं रिपेयर ही करूंगा। तो गाइस यहां पे और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जितना भी काम मैंने सर्विस सेंटर में नहीं सीखा था, जितना भी काम मैंने सर्विस सेंटर में नहीं किया था, उससे कई गुना काम जो है मैं इस फील्ड में कर चुका हूं, यानी जो रियल लाइफ है, जो रियल फील्ड है वहां पे कर चुका हूं। जब आप कस्टमर से खुद ही डील करोगे, खुद ही कस्टमर से बात करोगे, खुद ही कस्टमर के मुंह से जो प्रॉब्लम है उसको सुनोगे, खुद ही वहां पे सॉल्व करोगे, लिमिटेड रिक्वायरमेंट के साथ में, लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ में, लिमिटेड जो भी एसेसरीज होते हैं उसके के साथ में जब आप कोई भी काम को करोगे तो तभी जाके आपको जो है बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और अभी मैं शर्त लगा के बोल सकता हूं कि अभी मेरे पास में कोई भी किसी भी टाइप का फोन आए तो मैं डेफिनेटली उसको रिपेयर करके आपको दे दूंगा। तो गाइस इसी तरीके से मैंने अपना जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग करियर है उसको स्टार्ट किया है और अभी भी वहां पे जो है रन कर रहा हूं। तो आप भी अगर अपने मोबाइल फोन रिपेयरिंग करियर अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ ऐसा मत देखिए कि मेरे पास में इतना होगा, मेरे पास में इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे पास में कोई सपोर्ट नहीं है, इसी तरीके का जो सोच है उसको मत रखिए। आपके पास में जितना भी है उसी से आप स्टार्टअप कीजिए, डेफिनेटली आप जो है आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मेरा ये जो इन्फॉर्मेशन है, मेरा जो थोड़ा सा जो स्टोरी है वो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।